दोस्तों, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है जहाँ पे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहा है और कहीं पर बन चुका है। और आज हम लोग ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो पूरे दुनिया को शॉक्ड कर दिया है और आप एक हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस करेंगे। इंडिया तेजी के साथ बदल रहा है। पिछले 10 सालों में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अभूतपूर्व बदलाव लाया है जो पूरे दुनिया के नजर को बदल दिया है। वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को बहुत ही अनडेवलप्ड एंड पुअर कंट्री दिखाया जाता है, लेकिन इंडिया में बना ये सारे प्रोजेक्ट सबकी बोलती बंद कर दिया है। इंडिया ने दिखा दिया है हम भी किसी से कम नहीं, और आगे आने वाले समय में इंडिया कई सारे देश को पिछड़ कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली और एडवांस कंट्री बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं इंडिया की टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में इंडिया को एक अलग ही परिचिति दिलाया है। ऐसे तो दुनिया में आपने कई तरह के रेलवे ब्रिज देखा है जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इंडिया में बन रहा है? इंडिया में जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इट्स लोकेटेड बिटवीन बकाल एंड कौरी। ये ब्रिज आईफेल टावर से भी ऊंचा है। जहाँ पे आईफेल टावर 324 मीटर ऊंचा है, वही चिनाब ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, जो आईफेल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इतने ऊंचाई में बन रहा ये रेलवे ब्रिज दुनिया में एक चर्चित विषय बन गया है। जम्मू के कटरा से श्रीनगर के कौरी को जोड़ने का काम करेगी ये ब्रिज। कटरा से बनी हाल जो 111 किलोमीटर का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, चिनाब ब्रिज उसी लाइन का हिस्सा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 1300 मीटर। इस ब्रिज की जो डिजाइन है वो उल्टा चांद की तरह आर्क शेप में बनाया गया है। ब्रिज को स्टील एंड कंक्रीट से बनाया गया है, जहाँ पे 26,000 टन स्टील यूज हुआ है, और ये स्टील खास तरह की है जो -25 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर सकता है। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे एडवांस सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा कुछ मात्रा में भूकंप को भी सहन कर सकता है, और अगर ब्रिज में कोई बम धमाका भी हो तो भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट से ये ब्रिज को बनाया गया है। चिनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इस ब्रिज को बना रहा है इंडिया के जाने माने कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए लगा है। दोस्तों, क्या आप क्रिकेट के फैन हो? क्रिकेट आपका पैशन है तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश में मौजूद है। इससे पहले दुनिया का सेकंड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे देश में ही मौजूद था, कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। लेकिन हाल ही में बना गुजरात में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हर एक स्टेट के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, और जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाता है। और हाल ही में बना मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। न्यू स्टेडियम बनाने से पहले यहाँ पे 1982 में स्टेडियम को बनाया गया था, जो गुजरात स्टेडियम नाम से जाना जाता था, और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया। साल 2015 में पुराने स्टेडियम को तोड़ के एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रपोज आया, लेकिन सरकार यहाँ पे चाहता था ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टेडियम ना बने बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बने, और उसी मुताबिक प्लानिंग डिजाइनिंग शुरू हो गया। पुराने स्टेडियम को तोड़ के उसी जगह पे न्यू स्टेडियम को बनाया गया। लगभग 5 सालों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया। स्टेडियम में एक साथ 110,000 लोग गैलरी में बैठ के मैच देख सकता है, और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान ने और एक माइलस्टोन बना दिया। इस स्टेडियम को भी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। स्टैचूज, जो दुनिया में अलग अलग देश में अलग अलग स्टैचूज बना हुआ है, इनमें से कुछ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्टैचू है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्टैचू हमारे देश में मौजूद है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, वो हमारे देश गुजरात में बना हुआ है, जहाँ पे ब्राजील के क्रिस्ट की हाइट है 38 मीटर, रशिया में होमलैंड मदर की हाइट है 85 मीटर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है 93 मीटर, चाइना में स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा की हाइट है 153 मीटर, वही स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर, जो इसे बनाता है दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। उन्होंने अपने कूटनीति चाल से भारत को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाया है, इसलिए उनके स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। इतने बड़े मूर्ति को भी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है, जहाँ पे 3,000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 300 से भी ज्यादा इंजीनियर्स ने मिलकर दिन रात एक करके स्टैचू को बनाया है। स्टैचू की बेस लोहे से बनाया गया है, और पूरे मूर्ति को स्पेशल स्टील एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाकर बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू के अंदर जाकर लोग ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर में गैलरी भी मौजूद है जहां से शानदार नजारा दिखता है। 3,050 करोड़ रुपए के लागत से स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है, और दुनिया में इंडिया को अलग परिचिति मिला है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वजह से। दोस्तों, क्या आप पहाड़ों में कभी ट्रैवल करने गए हैं?
अगर पहाड़ों में आपने कभी ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा शहर की तरह एक समान रोड वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे पहाड़ों के साइड में पत्थर काट के घुमा फिरा के रोड्स को बनाए जाते हैं, जिस वजह से एक से दूसरे जगह तक जाने में बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पहाड़ों में इसी दूरी को कम करने के लिए पहाड़ों के अंदर से इंडिया में रोड टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। श्रीनगर कारगिल लेह में नेशनल हाईवे 1 पर इस रोड टनल को बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई है 14.02 किलोमीटर। और यहाँ पे इंडिया अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ने जा रहा है। जैसे आपको पता है हाल ही में अटल नगर का उद्घाटन हुआ है, जो एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। इंडिया उसी रिकॉर्ड को फिर से तोड़ के 11,500 फीट ऊंचाई पर 14.02 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा, जिसका मतलब है जहां पे अभी जाने के लिए 3 घंटा समय लगता है वो सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये टनल कंप्लीट होने पर इंडिया को बहुत सारा फायदा है, स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों तरफ से। लद्दाख रीजन में आए दिन बर्फबारी होता ही रहता है, जिस वजह से साल में ज्यादातर समय 5 से 6 महीने तक श्रीनगर से लेह और लेह से श्रीनगर तक रास्ता बंद रहता है। लेकिन जोजिला टनल बन जाने पर इस कनेक्टिविटी इश्यूज का समाधान हो जाएगा। जहाँ पे अभी श्रीनगर से लेह और लद्दाख जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है, टनल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 15 मिनट में यह सफर पूरा हो जाएगा। हमारे सेना के लिए भी उनकी जरूरत के सामान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है, उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन टनल बन जाने पर ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माना जा रहा है 5 सालों के अंदर ये टनल बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जोजिला टनल को बनाने में करीब 7,000 करोड़ रुपए का लागत आएगा। एक्सप्रेसवे, वाइड लेन हाईवे, पहाड़ों के बीच सड़क बनाने के बाद अब इंडिया नदी के नीचे से अंडर वाटर रोड टनल बनाने जा रहा है। अब नदी के नीचे से चलेगी गाड़ियां, वो भी 80 किलोमीटर रफ्तार के साथ। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से ये टनल बनेगा और इसकी कुल लंबाई होगी 14.8 किलोमीटर। असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ तक इस टनल को बनाया जाएगा, जो नेशनल हाईवे 54 को नेशनल हाईवे 34 से जुड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग टनल को बनाया जाएगा, जहाँ पे 4 लेन का लंबी कॉरिडोर होगा। और इसी टनल होकर असम से अरुणाचल प्रदेश तक बहुत ही कम समय में लोग जा सकेंगे। इस अंडर वाटर रोड टनल चीन में अंडर कंस्ट्रक्शन ताइहू नदी टनल से भी ज्यादा लंबी होगी। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अमेरिकन कंपनी लुइस बर्जर के साथ मिलकर बनाएगा। अंडर वाटर रोड टनल को बनाने में 1,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। सिर्फ अंडर वाटर रोड टनल ही नहीं, इंडिया में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी चलने जा रहा है। कोलकाता के गंगा नदी के नीचे से दौड़ेगी मेट्रो। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट, जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से होकर हावड़ा मैदान तक है, इसी कॉरिडोर पे गंगा नदी के नीचे से दौड़ेगी मेट्रो। गंगा नदी के 30 मीटर नीचे से टनल को बनाया गया है। यहाँ पे कुल 2 टनल है जिसकी अंदर से चलेगी मेट्रो। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हालांकि सेक्टर 5 से फूलबगान तक अभी मेट्रो चल रही है, कुछ काम और बाकी है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो अपने राह पर चल पड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ है। दोस्तों इसी तरह इंजीनियरिंग प्लानिंग कई सारे देश अभी सोच रहा है, वो इंडिया ने वो सारे प्रोजेक्ट्स को हकीकत में करके दिखा दिया है, जो पूरे दुनिया के नजर को बदल दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ना सिर्फ अंडर वाटर रोड टनल एंड अंडर वाटर मेट्रो, बल्कि अंडर वाटर बुलेट ट्रेन भी इंडिया में बनने जा रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और उसी लाइन के कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे से टनल बनाकर आगे ले जाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया एंड यूएई के बीच अंडर वाटर बुलेट ट्रेन पर भी बातचीत चल रहा है। अगर सब कुछ सही होता है तो इंडिया एंड यूएई दुनिया में पहला देश होगा जहाँ पे अंडर वाटर बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू होगा। दुनिया में रफ्तार के परिभाषा को बदल देने वाला टेक्निक है हाइपरलूप, जो एयरप्लेन एंड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलती है। 1200 किलोमीटर रफ्तार के साथ चलने वाली हाइपरलूप अब इंडिया में बनने वाला है। इंडिया में कई सारे स्टेट हाइपरलूप को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया है, जहाँ पे वो चाहता है कि उनके स्टेट में हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनाए जाए। पहला स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ पे मुंबई टू पुणे के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनाया जाना था, जिसके लिए प्लानिंग एंड डिजाइनिंग हो चुका है। हाइपरलूप कंपनी की तरफ से भी एक डेमो भी दिया जा चुका है। हालांकि महाराष्ट्र में नया सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट से बेंगलुरु शहर के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रहा है। अब देखना यह है कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट सबसे पहले कहां पे बनता है। दोस्तों दुनिया में गिने चुने कुछ देश में बुलेट ट्रेन एंड मैग्लेव ट्रेन चलती है, इंडिया में बस इसका ही कमी है। लेकिन बहुत जल्द ये तस्वीर भी बदल जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी बुलेट ट्रेन, ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा तैयार होने के बाद। जापान और इंडिया मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बना रहा है। बाद में और 7 अलग अलग रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, जिसमें कोलकाता से दिल्ली, बेंगलोर से चेन्नई, हैदराबाद कॉरिडोर शामिल है।
इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से मेगलेप ट्रेन बनाने का परियोजना भी बनाया गया है, जहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इंडिया के हर स्टेट में कनेक्टिविटी को और स्पीड अप करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया सिर्फ जमीन पे ही नहीं, दूर महाकाश में भी अपनी उड़ान भर ली है। क्या आपको पता है, दुनिया में इंडिया सबसे पहले मंगल पे जाने वाला देश है। कई सारे देश कई बार कोशिश करने के बाद भी मंगल तक पहुंच नहीं पाया, वही इंडिया पहले कोशिश में ही मंगल तक पहुंच गया। इस बार इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो महाकाश में इंसान भेजने का प्लानिंग बनाया है। इसरो इंडिया का एक प्राइड एजेंसी है, जिसे पूरे दुनिया ने माना है। दोस्तों, ये तो था कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हमने जाना, लेकिन इसके अलावा ढेरों ऐसे मेगा प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट, जहां पे मुंबई ट्रैफिक को कम करने के लिए समुद्र पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो दर्शाता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इसलिए ट्रांसपोर्ट में तेजी लाना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में करंटली 13 शहर में मेट्रो ऑपरेशनल है, और 8 शहर के अंदर मेट्रो कंस्ट्रक्शन पर काम चल रहा है। इंडिया में करंटली मेट्रो की ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसके अलावा इंडिया के कई सारे स्टेट्स के अंदर कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इंडिया में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें भारतमाला, चारधाम रेलवे, चारधाम हाईवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, मणिहाल रोड टनल, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, सेतु भारतम प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट और भी ढेरों ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंडिया में बनने वाला है, जो इंडिया को पूरे दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर मानेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लेकर आता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।